हेलो एवरीवन, दिस इज़ शीतल, योर मैथ्स टीचर फ्रॉम शाह सतनाम जी गर्ल्स स्कूल। आज हम मैथ्स में बेटा क्वेश्चन नंबर सम नंबर 19 करेंगे। 18 तक आपका हो चुका था। 19 में क्या है कि आपको ये एक स्टेटमेंट दी गई है, अलग अलग करके लिखे हुए हैं सब नंबर्स। अगर आप इसे टोटल करके लिखना चाहो तो वैसे ही टोटल करके लिख सकते हो, अदरवाइज़ इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। जैसे ये 200 है, फिर ये 40 है, फिर ये 7 है। तो 200 है, 40 है और फिर 7 है, तो इसको आप टोटल करके लिख सकते हो क्या बनेगा। अदरवाइज़ आपको नॉर्मली भी पता होना चाहिए कि जब हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे। 2 फिर 4 फिर 7, अगर टोटल करोगे तब भी ऐसे आएगा। तो टोटल करके आप लिख दीजिए, वो वेरी इजी रहेगा। तो आप इस जो 4 के 4 सम है इनको टोटल करके, इनको एडिशन करना है, इनको ऐड करके, ठीक है। आप अपनी स्टेट अपनी नोटबुक में इन 4 जो सम है इनको ऐड करना आपको आता है। जैसे ये दिया हुआ है एडिशन का सम, ऐसे आपने ऐड करके लिखना है। तो आप 19 और 20 सम दोनों मतलब इजी हैं, आप ये कर लोगे अच्छे से। आगे है 21। 21 में क्या होता है कि आपको ये दिया हुआ है 4, 4, 5, यानी कि 445। तो इसमें 400, यानी कि 400 कैसे आप क्या करोगे इसमें, जैसे आपको यहाँ पे ये दिया हुआ था, आपने इसको यहाँ पे लिखा था ना 400, फिर यहाँ पे लिखा था 40, फिर यहाँ पे लिखा था 5, लिखा था ना ऐसे। तो अब यहाँ पे क्या लिखोगे आप, यहाँ पे क्या लिखोगे, तो ये आपको बिल्कुल एज इट इज़ ऊपर जैसे आपने किया था वैसे ही होगा। तो इसमें हम क्या करेंगे बेटा, जैसे आपको 100 तो दिया ही हुआ है, तो आप क्या करोगे सिर्फ 4 लिखोगे, तो 400 बन गया ना। अब यहाँ पे आपने 400 नहीं लिख देना है, वो तो 400 बन जाएगा, ओके। तो आप क्या लिखोगे, 400 तो हो ही गया। आगे टेंस कितना है, 4 tens और 5 ones, ऐसे लिखोगे, बन गया ना। अब ये 4, 4, 5 दिया हुआ है, तो आप इसको ऐसे लिख दोगे 4, 4, 5। ऐसे ही 6, 2, 1 है, तो क्या लिखोगे 6, 2 एंड देन यहाँ पे 1, और यहाँ पे 3, 2, 9 है, तो आपको पता होना चाहिए आप क्या लिखोगे, ओके। तो आज हम ये 3 sum ही करेंगे, हम आराम से करेंगे बेटा, पूरा साल है आपका, कोई जल्दी नहीं है, ठीक है, आराम आराम से करेंगे इसको। तो आज ये 3 sum ही आपने अपनी बुक में, बुक वर्क है तो बुक वर्क में यहीं पर आप कर सकते हो इसे। अभी तो रिवीजन चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 होगा तो फिर देखेंगे। अभी इसका आंसर आप यहाँ लिख सकते हो, इसका आंसर यहाँ लिख सकते हो, इसका यहाँ पे लिख सकते हो, इसका यहाँ पे, और यहाँ पे, यहाँ पे, ये सब, और इनमें, ये सिर्फ बुक वर्क है, आपको नोटबुक में करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी बुक में ही इन सम्स को कर सकते हो। ओके बेटा, बाय, टेक केयर।